अम्लीय माध्यम में आयोडाइड आयन ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होते हैं। यहाँ वो ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर आयोडीन में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो जैसे आयोडाइड आयन यदि हम लेते हैं तो 4i- + 4h + + O2 = 2i2 + 2h2O। तो इस तरह से जो आयोडाइड है वह आयोडीन में ऑक्सीकृत होते हैं। आयोडीन जब जल से क्रिया करता है तो यह एक अस्वतः अभिक्रिया होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। हाइड्रोजन के साथ जब हैलोजन क्रिया करती है तो ये बहुत अधिक बंधुता रखते हैं हाइड्रोजन के प्रति, तो हाइड्रोजन से क्रिया करके ये हाइड्रोजन हैलाइड बनाते हैं। जैसे X2 + H2 = 2HX। यहाँ पर X की जगह पे हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लेते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड जब जल से क्रिया करता है तो हाइड्रोहैलिक अम्ल बनता है। हाइड्रोहैलिक अम्ल बनता है तो यहाँ पर यदि HX गैसियस फॉर्म में है और वो जब जल से क्रिया करता है तो HX का एक्वस फॉर्म बनता है, और साथ ही साथ HOX या इसे हम हाइपोहैलस अम्ल भी कहते हैं। 2HX जो गैसियस फॉर्म में है जल से क्रिया करता है तो 2HX + H2O = 2HX एक्वस फॉर्म में प्लस HOX। HOX यहाँ पर हाइपोहैलस अम्ल को दर्शाता है। अब हम हाइड्रोजन हैलाइड के भौतिक अवस्था के बारे में जानेंगे। हाइड्रोजन हैलाइड इस परिवार में HF, HCl, HBr, HI इस तरह से होता है। तो इसमें से जो HF है वो द्रव अवस्था में होते हैं, बाकी सभी गैसियस फॉर्म में होते हैं। फ्लोरीन से आयोडीन तक हाइड्रोजन के प्रति जो बंधुता है वो कम होती जाती है और ये जल में घुलकर हाइड्रोहैलिक अम्ल बनाते हैं। तो अब हम इस परिवार के विभिन्न जो हाइड्रोजन हैलाइड हैं उसके अन्य गुणों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बंध लंबाई। HF के लिए बंध लंबाई 91.7, HCl के लिए बंध लंबाई 127.4, HBr के लिए बंध लंबाई 141.4, HI के लिए 160.9। तो ऊपर से नीचे आने पर हम देख रहे हैं कि बंध लंबाई बढ़ती जा रही है। इसका कारण है फ्लोरीन से आयोडीन तक परमाणु आकार में वृद्धि होना। तो जैसे जैसे परमाणु आकार में वृद्धि होगी H और X के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है, बंध लंबाई है, वो बढ़ेगी। इसी प्रकार यदि बंध वियोजन ऊर्जा को देखेंगे तो HF के लिए बंध वियोजन ऊर्जा सबसे अधिक होती है क्योंकि F का आकार अपने परिवार में सबसे छोटा होता है। तो HF के लिए जो बंध वियोजन ऊर्जा है वह है 574 किलो जूल प्रति मोल, HCl के लिए 432 किलो जूल पर मोल, HBr के लिए 363 किलो जूल पर मोल और HI के लिए 292 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ जो बंध वियोजन ऊर्जा का मान है वो भी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये मान कम होता जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बंध लंबाई में वृद्धि हो रही है। बंध लंबाई के मान में वृद्धि होगी तो बंध वियोजन ऊर्जा का मान कम होता जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो हम देखते हैं इस परिवार में परमाणु भार में वृद्धि होती है और ऊपर से नीचे आने पर जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मान है इन हाइड्रोजन हैलाइड्स के लिए वो भी मान ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता जाता है। HF को छोड़कर बाकी सभी के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का मान है वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो बढ़ता जा रहा है क्योंकि यहाँ पर F का आकार जो है बहुत छोटा होता है और F की ऋण विद्युता बहुत उच्च होती है। अगला गुण है ऊष्मीय स्थायित्व। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो चूँकि बंध वियोजन ऊर्जा के मान में कमी हो रही है तो HF के लिए सबसे ज़्यादा होगा ऊष्मीय स्थायित्व HF, HCl, HBr, HI। तो ये ऊष्मीय स्थायित्व का घटता हुआ क्रम है। HF के लिए सबसे अधिक है और HI के लिए सबसे कम होता है। अम्लीय सामर्थ्य, ऊपर से नीचे आने पर H प्लस देने की क्षमता किसकी ज़्यादा होगी? जिसके लिए बंध लंबाई अधिक है, बंध वियोजन ऊर्जा का मान कम है। तो जैसा हमने देखा कि ऊपर से नीचे आने पर बंध वियोजन ऊर्जा के मान में कमी हो रही है और बंध लंबाई के मान में वृद्धि हो रही है, तो H प्लस त्यागने की क्षमता जो है वो HI में सबसे ज़्यादा होगी। तो ऊपर से नीचे आने पर H प्लस देने की क्षमता बढ़ेगी तो अम्लीय सामर्थ्य भी बढ़ता है।
अम्लीय सामर्थ्य को यदि हम क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे अधिक होगा HI का, HF से अधिक होगा HCl, फिर HBr और लास्ट में HI। तो सबसे अधिक अम्लीय नेचर जो है वो HI का होता है। अगला गुण है अपचायक गुण। अपचायक ऐसे पदार्थ होते हैं जो दूसरों को हाइड्रोजन देते हैं, तो हाइड्रोजन हैलाइड में भी जो आसानी से H दे सकते हैं दूसरों को अपचयित करने के लिए, वे सबसे प्रबल अपचायक होंगे। तो यहाँ भी बंध वियोजन ऊर्जा का मान जिसका सबसे कम होगा वो आसानी से H दे सकते हैं, तो HI सबसे अधिक अपचायक प्रवृत्ति दर्शाएगा। तो यहाँ अपचायक गुण का भी क्रम इसी प्रकार होगा, HF, HCl, HBr, HI। तो HI सर्वाधिक अपचायक प्रवृत्ति दर्शाता है। अगला हम देखेंगे हैलोजन की ऑक्सीजन से क्रियाशीलता। तो ऑक्सीजन के साथ ये जब क्रिया करते हैं तो ऑक्साइड बनाते हैं। ये विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे X2O, XO2, XO3, X2O5, X2O6, X2O7। जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो ऑक्साइडों का जो स्थायित्व है वो भी बढ़ता जाता है। अब हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किस किस प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं इसके बारे में जानेंगे और उनके गुणों के बारे में जानेंगे। तो फ्लोरीन जो है वो एक विशेष तत्व होता है, असामान्य व्यवहार वाला तत्व होता है। तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, एक है OF2 और दूसरा है O2F2। तो जब ये OF2 का स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो OFF के बीच में 103 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, इसी प्रकार FOOF, तो O, F और O के बीच यहाँ पर 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। OF2 जो है वो कमरे के तापमान पर स्थायी होता है, लगभग 298 केल्विन तापमान पर ये स्थायी होते हैं OF2, और ये बहुत अच्छे फ्लोरीनी कारक होते हैं क्योंकि फ्लोरीन उच्च ऋण विद्युती तत्व होता है। O2F2 जो है वो प्लूटोनियम का भी फ्लोरीनीकरण कर सकते हैं। O2F2 जब प्लूटोनियम का फ्लोरीनीकरण करते हैं तो प्लूटोनियम हेक्साफ्लोराइड बनता है। इसमें रिएक्शन होगा 3O2F2 प्लस प्लूटोनियम यानी Pu इज इक्वल टू PuF6 प्लस 3O2। तो डाई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड यानी O2F2 भी बहुत अच्छा फ्लोरीनीकारक होता है। अगला हम जानेंगे Cl के ऑक्साइड। क्लोरीन के भी दो प्रकार के ऑक्साइड होते हैं, Cl2O एवं ClO2। Cl2 का स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो ऑक्सीजन Cl और ऑक्सीजन के साथ Cl, और ClO2 Cl ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो क्लोरीन का एक और ऑक्साइड है Cl2। क्लोरीन के और भी दो ऑक्साइड हैं Cl2O6, Cl2O7। तो Cl2O6 इस प्रकार से स्ट्रक्चर है इसका, Cl डबल बॉन्ड O के साथ दो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, Cl Cl के बीच में एक ऑक्सीजन है और दूसरे Cl के साथ डबल बॉन्ड बनाए हुए तीन ऑक्सीजन है, Cl डबल बॉन्ड O, Cl डबल बॉन्ड O, Cl डबल बॉन्ड O। इसी प्रकार Cl2O7 जो है वो ClOCl, इस प्रकार बीच में ClOCl बॉन्ड है और दोनों Cl जो टर्मिनल हैं उनके साथ ऑक्सीजन तीन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं, Cl डबल बॉन्ड O, Cl डबल बॉन्ड O, Cl डबल बॉन्ड O, और दूसरी तरफ जो क्लोरीन है Cl डबल बॉन्ड O, Cl डबल बॉन्ड O और Cl डबल बॉन्ड O। ये जो क्लोरीन के ऑक्साइड होते हैं ये बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, ये बहुत अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं, विस्फोटक भी होते हैं। ClO2 क्लोरीन का एक बहुत अच्छा ऑक्साइड होता है, इसके कई सारे उपयोग हैं, कागज़ की लुगदी बनाने में, वस्त्रों को विरंजन करने में, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए। ब्रोमीन के ऑक्साइड, ब्रोमीन भी दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, Br2O एवं BrO2। तो ब्रोमीन के जो ऑक्साइड हैं इसमें भी ब्रोमीन, दो ब्रोमीन ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और दूसरी जो संरचना है BrO2 की उसमें Br ऑक्सीजन के साथ दो डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं,
यानी दोनों ऑक्सीजन Br के साथ डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं। तो ब्रोमीन का जो ऑक्साइड होता है ये बहुत ही कम स्थायी होता है, बहुत कम तापमान पर ही ये स्थायी रूप में दिखाई देता है और ये भी प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। अगला है आयोडीन के ऑक्साइड। आयोडीन भी तीन प्रकार के मुख्य ऑक्साइड बनाते हैं, I2O4, I2O5, I2O7। इसमें से जो I2O5 है वो प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करते हैं। I2O5 की संरचना को हम जानेंगे, I के बीच में सिंगल बॉन्ड है और जैसा हमने ब्रोमीन या क्लोरीन के लिए ऑक्साइड को देखा उसी तरह से आयोडीन भी दोनों ऑक्सीजन के साथ दो डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं और दूसरी तरफ भी आयोडीन दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। I2O7 की संरचना, I2O7 में भी I के बीच में सिंगल बॉन्ड है और दोनों जो टर्मिनल I है उसके साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं, तीनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं। इसमें I डबल बॉन्ड O, I डबल बॉन्ड O, I डबल बॉन्ड O, दूसरी तरफ भी I डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो इस तरह से I2O7 की संरचना हो गई जिसमें I O I के बीच सिंगल बॉन्ड है और दोनों टर्मिनल आयोडीन के साथ जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। I2O7 ठोस होते हैं, प्रायः ये सभी आयोडीन के जो ऑक्साइड हैं वो अविलेय होते हैं और ठोस प्रकृति के होते हैं, लेकिन गर्म किए जाने पर ये अपघटित भी हो जाते हैं, जिसमें से I2O5 जो है वो बहुत अच्छा ऑक्सीकारक होता है और इसका प्रयोग कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के आकलन के लिए भी किया जाता है। सभी हैलोजन के जो ऑक्साइड हैं उनकी प्रकृति अम्लीय होती है क्योंकि ये जो ऑक्साइड है जब जल से क्रिया करते हैं, जल से क्रिया करके ये ऑक्सो अम्ल बनाते हैं, इसलिए ये सभी अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। जैसे जैसे इन ऑक्साइडों की ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होती है इनका जो अम्लीय नेचर है वो भी बढ़ता जाता है। हैलोजन की धातुओं से क्रिया, हैलोजन जब धातुओं से क्रिया करता है तो मुख्य रूप से आयनिक प्रकृति के यौगिक बनाते हैं। धातु से क्रिया करते हैं तो धातु इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और ये जो हैलोजन है इनकी प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, जैसा हम समझते हैं कैल्शियम क्लोराइड के लिए कि कैल्शियम के बाह्यतम कोष में दो इलेक्ट्रॉन हैं जो क्लोरीन के दो परमाणु ग्रहण करते हैं और कैल्शियम क्लोराइड नामक एक यौगिक बन जाता है जिसकी प्रकृति आयनिक होती है। तो X2+M यहाँ पर धातु हो सकता है, कोई भी धातु यहाँ हो सकता है, प्रायः जो धातु है वो एक संयोजी यहाँ पर यदि लेंगे तो एक संयोजी अगर लेते हैं तो NaCl बन जाएगा एक एग्जांपल, और द्विसंयोजी लेते हैं तो कैल्शियम के साथ यदि क्रिया कराएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड इस तरह से यौगिक बनेंगे। तो X2+M = MX2 और कैल्शियम के साथ क्रिया करते हैं तो Ca2+ CL2 = कैल्शियम क्लोराइड। यदि एक संयोजी धातु लिया जाए तो किस प्रकार के हैलाइड बनेंगे वो देखिए, MF MCl MBr MI। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनिक प्रकृति घटती जाती है। इसका कारण ये है फजांस रूल के आधार पर जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो यदि ऋणायनों का आकार बढ़ता जाएगा, धनायनों का आकार छोटा होता जाता है, तो यहाँ ध्रुवित करने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती जाती है और सहसंयोजक नेचर जो है वो बढ़ेगा, आयनिक गुण जो है वो घटता जाता है। यदि धातुएं एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं तो जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले हैलाइड होते हैं उनकी प्रकृति सहसंयोजी होती है निम्न ऑक्सीकरण अवस्था वाले हैलाइडों की तुलना में। यहाँ पर हम उदाहरण लेंगे जैसे टिन क्लोराइड SnCl2 की तुलना में SnCl4 अधिक सहसंयोजी होगा, इसी प्रकार PbCl2 की तुलना में PbCl4 अधिक सहसंयोजी होगा, SbCl3 की तुलना में SbCl5 अधिक सहसंयोजी होगा, इसी प्रकार UF4 की तुलना में UF6 अधिक सहसंयोजी प्रकृति का होता है। अगला हैलोजन का गुण है अंतर हैलोजन यौगिक, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्यों बनते हैं?
हेलोजन हेलोजन की आकार में परिवर्तन के कारण, हेलोजन हेलोजन की ऋण विद्युता में अंतर के कारण इस प्रकार के यौगिक बनते हैं, यानी हेलोजन हेलोजन के साथ क्रिया करके ही अंतर हेलोजन यौगिक बनाते हैं, जिसमें से जो एक हेलोजन है उसकी ऋण विद्युता बहुत अधिक होगी दूसरे हेलोजन की तुलना में। तो यदि हम इसके सूत्र को लिखेंगे AX, तो यहाँ पर A जो है वो बड़ा हेलोजन होगा और X छोटा हेलोजन होगा आकार में। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पर विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें से AX जहाँ पर प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट, AX3 प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट, AX5 प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट, AX7 प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट। AX जो अंतर हेलोजन यौगिक है उसके कुछ उदाहरण हैं CLF, BRF, AX3 के कुछ उदाहरण CLF3, BRF3, AX5, CLF5, BRF5, AX7, IF7। तो ये कुछ उदाहरण हैं अंतर हेलोजन यौगिक के। यदि हम IF7 को देखें तो आयोडीन का आकार फ्लोरीन की तुलना में बड़ा होता है, तो प्रारंभ में हमेशा धन विद्युती तत्व होता है और दूसरे स्थान पर ऋण विद्युती तत्व होता है। तो चूंकि हेलोजन में दोनों ही तत्व ऋण विद्युती होते हैं, तो यहाँ हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा ज़्यादा ऋण विद्युती है और कौन सा कम ऋण विद्युती है। तो जो कम ऋण विद्युती तत्व होगा वो पहले स्थान पर होगा, जो अधिक ऋण विद्युती तत्व होगा वो बाद में होगा। और ए एक्स को जैसा हमने देखा कि ए की आकृति बड़ी होगी, ए बड़े आकार का हेलोजन होगा और एक्स छोटे आकार का हेलोजन होगा। अब हम इस परिवार में फ्लोरीन के असामान्य गुण के कौन कौन से कारण हैं वो जानेंगे। एक तो फ्लोरीन आकार में सबसे छोटा तत्व होता है, पूरे आवर्त सारणी में की भी बात करें तो पूरे आवर्त सारणी में फ्लोरीन सबसे छोटे आकार का तत्व होता है। इसके लिए बंध वियोजन ऊर्जा का मान अधिक तो होता है, लेकिन यदि F2 और Cl2 को कंपेयर करते हैं तो F2 के लिए बंध वियोजन ऊर्जा का मान क्लोरीन की तुलना में कम होती है, होना चाहिए ज़्यादा लेकिन क्लोरीन की तुलना में ये कम होती है। इसका कारण ये है कि फ्लोरीन का आकार बहुत छोटा होता है, लोन पेयर प्रतिकर्षण का मान बहुत अधिक होने के कारण इसमें जो बंध वियोजन ऊर्जा का मान है वो थोड़ा कम हो जाता है। फ्लोरीन में डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। क्लोरीन के बहुत सारे असामान्य गुण हैं, इसकी उच्च ऋण विद्युता, आयनन ऊर्जा का मान अधिक होता है, बंध वियोजन ऊर्जा भी इसकी अधिक होती है, क्लोरीन से भले ही कम होती है लेकिन इसकी अधिक ही होती है अपने परिवार में भी। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान यहाँ पर ऋणात्मक होता है, इसका उच्च ऋणात्मक होता है लेकिन क्लोरीन की तुलना में थोड़ा कम ऋणात्मक होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान, क्योंकि यहाँ भी वही कंडीशन है कि फ्लोरीन के 2p इलेक्ट्रॉनों के बीच इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण इतना ज़्यादा हो जाता है, आने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण कम हो जाता है। फ्लोरीन की ज़्यादातर जो अभिक्रियाएं होती हैं वो ऊष्माक्षेपी होती हैं और ये विभिन्न प्रकार के दूसरे तत्वों के साथ जब क्रिया करता है तो प्रबल बंध बनाता है, क्योंकि आकार में ये छोटा होता है तो जब भी ये किसी तत्व के साथ बॉन्ड बनाता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। फ्लोरीन की एक विशेषता है कि ये एक ही प्रकार के ऑक्सो अम्ल बनाता है, एच ओ एफ, हाइपोफ्लोरस अम्ल। दूसरे जो हेलोजन होते हैं वो कई प्रकार के ऑक्सो एसिड बना सकते हैं। एच एफ हाइड्रोजन हैलाइड यदि हम देखें, एच एफ की बात करते हैं तो एच एफ जो है वो द्रव रूप में होता है जबकि बाकी सभी हाइड्रोजन हैलाइड गैस रूप में होते हैं। इसका कारण है कि एच एफ के बीच अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है जिससे ये अणु आपस में संगुणित हो जाते हैं, संगुणित होने के कारण ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो इसका कारण भी यही है कि फ्लोरीन का आकार बहुत छोटा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जब ये बनाते हैं, हाइड्रोजन एक परमाणु होना चाहिए और दूसरा जो बॉन्ड बनाने के लिए परमाणु होना चाहिए उसका आकार बहुत छोटा होना चाहिए और ऋण विद्युता का मान बहुत अधिक होना चाहिए। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन यही हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाते हैं। तो यहाँ पर एच एफ के कई सारे मॉलिक्यूल आपस में अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। हेलोजन परिवार में हम कुछ यौगिकों के बारे में और कुछ प्रमुख जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे। क्लोरीन, सबसे पहले हम देखेंगे क्लोरीन।
विलियम शीले साइंटिस्ट, उन्होंने विलियम शीले ने 1774 में HCl पर MnO2 की अभिक्रिया से सबसे पहले क्लोरीन प्राप्त किया। सन 1810 में सर हम्फ्री डेवी ने इसे तत्व के रूप में एक पहचान दिया। उन्होंने देखा कि यह हरे पीले रंग का एक तत्व है, इसे उन्होंने क्लोरीन कहा। तो ग्रीक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। क्लोरीन शब्द की उत्पत्ति क्लोरोस से हुई है। क्लोरोस का अर्थ होता है हरित पीला, तो क्लोरीन हरे पीले रंग का एक गैस होता है। अब हम जानेंगे क्लोरीन बनाने की विधि। तो क्लोरीन बनाने की कई सारी विधियां हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सांद्र HCl की जब MnO2 से क्रिया होती है, MnO2 यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ जब सांद्र HCl की क्रिया होती है तो क्लोरीन गैस बनता है, मैग्नीज डाइक्लोराइड बनता है और जल बनता है। तो इसके लिए रिएक्शन होगा MnO2 प्लस 4HCl इज इक्वल टू MnCl2 प्लस क्लोरीन प्लस H2O। यहाँ पर HCl के स्थान पर नमक का प्रयोग भी किया जा सकता है, यानी नमक और सांद्र H2SO4 का भी मिश्रण लेकर क्लोरीन बनाया जा सकता है। तो यदि नमक और सांद्र H2SO4 लेकर क्लोरीन बनाएंगे तो वो रिएक्शन इस प्रकार होगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस 4NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड इज इक्वल टू MnCl2 प्लस 4NaHSO4 यानी सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस 2H2O प्लस Cl2। अगली विधि है क्लोरीन बनाने की, अगली विधि है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर पर HCl की क्रिया करा के भी क्लोरीन प्राप्त कर सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो CaOCl2 पर जब HCl की क्रिया होती है तो भी क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। तो 2HCl प्लस CaOCl2 इज इक्वल टू CaCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो यहाँ पर HCl पर जब ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया होती है तो क्लोरीन गैस बनता है, साथ ही साथ कैल्शियम क्लोराइड भी बनता है। अगली विधि है पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा क्लोरीन प्राप्त करने की। तो पोटेशियम परमैंगनेट पर बहुत अधिक मात्रा में जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराई जाती है तो भी क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। तो 2KMnO4 प्लस 16HCl इज इक्वल टू 2KCl प्लस 2MnCl2 प्लस 8H2O प्लस Cl2। तो Cl2 बैलेंस करेंगे तो 5Cl2। यहाँ पर भी क्लोरीन गैस KMnO4 पर अधिक मात्रा में HCl प्रवाहित करके प्राप्त किया जा सकता है। अगला है HCl की क्रिया जब लेड डाइऑक्साइड से कराते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेड डाइऑक्साइड से क्रिया करके भी क्लोरीन गैस बनाते हैं। तो यहाँ पर 4HCl प्लस PbO2 इज इक्वल टू PbCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। क्लोरीन बनाने की कुछ औद्योगिक विधियाँ भी हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नेल्सन सेल। नेल्सन सेल में जब ब्राइन यानी बहुत सांद्र NaCl, अधिक सांद्र NaCl को ही ब्राइन कहा जाता है, इसका विद्युत अपघटन कराया जाता है नेल्सन सेल पर, तो यहाँ क्लोरीन जो है वो एनोड पर प्राप्त होती है। सांद्र NaCl के विद्युत अपघटन के द्वारा भी क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। क्लोरीन गैस एनोड पर प्राप्त होती है। अगली विधि है डीकन विधि। तो डीकन विधि में HCl गैस पर CuCl2 के प्रेजेंस में जब ऑक्सीडेशन कराया जाता है 723 केल्विन टेम्परेचर पर तो भी क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। तो इसके लिए रिएक्शन है 4HCl प्लस O2 इज इक्वल टू Cl2 2Cl2 प्लस 2H2O। तो ये जो पूरा रिएक्शन है ये CuCl2 के उपस्थिति में कराया जाता है, जहाँ 723 केल्विन टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। क्लोरीन बहुत ही तीक्ष्ण गंध वाली ये गैस होती है, दम घोटने वाली गैस होती है और रंग में ये हरे पीले रंग की होती है। बहुत अधिक विषैली भी होती है। जब बहुत तेज़ी से इसके बहुत ज़्यादा इसे सूंघ लिया जाता है तो ये सिर दर्द उत्पन्न कर देती है। जब भी आप प्रैक्टिकल करते हैं लैब में तो आपने क्लोरीन गैस को निकलते देखा होगा कई सारे अभिक्रियाओं में, तो
तुरंत यदि क्लोरीन गैस है किसी परीक्षण में यदि आप करते हैं और क्लोराइड है वहाँ पर, तो क्लोराइड की उत्पत्ति से जो यहाँ पर गैस निकलती है वो बहुत तीक्ष्ण गंध होती है, तीक्ष्ण गंध वाली होती है और छींक आने लगता है तुरंत। तो ये एक बहुत ही विषैली गैस होती है। क्लोरीन का जो गलनांक है वो 171.6 केल्विन होता है और क्वथनांक 239.11 केल्विन होता है। ये बहुत आसानी से द्रवीभूत भी हो जाती है, वायु से 2.5 गुना भारी होती है। हरे पीले रंग के द्रव में ये परिवर्तित होती हैं जब इसे द्रवीभूत किया जाता है। क्लोरीन को जब जल से क्रिया कराया जाता है तो क्लोरीन जल बनता है। तो क्लोरीन जल के साथ क्रिया करके HOCl एवं HCl बनाते हैं। Cl2 plus H2O is equal to HCl plus HOCl। और ये जो HOCl बनता है यदि इसका अपघटन करा दिया जाएगा तो 2HOCl is equal to 2HCl plus O2। तो इस पूरे रिएक्शन में ऑक्सीजन उत्पन्न हुआ और क्लोरीन जल के साथ घुलकर क्लोरीन जल में परिवर्तित होता है। अब हम क्लोरीन के कुछ रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे। क्लोरीन जल पीले रंग का होता है। जैसे ही इसे सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो HCl और HOCl के बनने के कारण इसका जो पीला रंग है वो खो देते हैं। तो ये किस प्रकार से रिएक्ट होते हैं और ऑक्सीकृत होते हैं, तो यहाँ जो ऑक्सीजन बनता है इसी वजह से वो विरंजक की तरह कार्य करते हैं और इसी कारण वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने पीले रंग को खो देते हैं। तो क्लोरीन जब जल से क्रिया करता है तो रिएक्शन है Cl2, जैसा हमने पहले भी देखा इस रिएक्शन को, Cl2 plus HCl is equal to HCl plus HOCl। यहाँ जो HOCl बना है वह फिर HCl से रिएक्ट होता है, तो 2HOCl plus 2HCl is equal to 2O। तो यहाँ नवजात ऑक्सीजन बनता है और यहाँ यह विघटित होने के बाद विघटन करके ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और यही नवजात ऑक्सीजन जो है वो विरंजक क्रिया का कारण बनता है। क्लोरीन की अधातुओं से क्रिया। क्लोरीन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा कई अधातुओं से क्रिया कर सकते हैं। जैसे फॉस्फोरस के साथ क्रिया करके फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, सल्फर के साथ क्रिया करके सल्फर मोनोक्लोराइड बनाते हैं। तो फॉस्फोरस के साथ जब ये रिएक्ट होते हैं P4 plus 6Cl2 is equal to 4PCl3। सल्फर जब रिएक्ट होते हैं तो S8 plus 4Cl2 is equal to S2Cl2। जब इसे बैलेंस करेंगे तो 4S2Cl2 सल्फर मोनोक्लोराइड बनता है। क्लोरीन धातुओं से भी क्रिया करते हैं। तो धातुओं से क्रिया करके यदि हम NM लेंगे तो NM में N यहाँ पर 1 से लेके 3 तक इसके परमाणु हो सकते हैं, N से लेके 3 तक N की संख्या हो सकती है। तो NM plus Cl2 is equal to MClN। तो N यहाँ संयोजकता को दर्शाएगा, जिस आधार पर हम M की संयोजकता लेंगे उसी आधार पर क्लोराइड यहाँ पर बनता है। तो यदि सोडियम के साथ रिएक्शन होता है तो 2Na plus Cl2 is equal to 2NaCl, सोडियम क्लोराइड। यदि आयरन के साथ क्लोरीन का रिएक्शन होगा तो आयरन क्लोराइड बनता है, तो 2Fe plus 3Cl2 is equal to 2FeCl3। तो यहाँ फेरिक क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पर जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस 3 है, तो फेरिक क्लोराइड बना। इसी प्रकार जब ये एल्यूमिनियम धातु से क्रिया करते हैं तो 2Al plus 3Cl2 is equal to 2AlCl3। तो एल्यूमिनियम यहाँ प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जब ये जिंक से रिएक्ट होते हैं तो Zn plus Cl2 is equal to ZnCl2। तो जिंक क्लोराइड जो बनता है यहाँ पर जिंक प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो N का जो मान हमने देखा वो 1 से 3 तक होना चाहिए। तो इस प्रकार से धातुओं से क्रिया करके अलग अलग लवण बनाते हैं। क्लोरीन की हाइड्रोजन के प्रति बहुत अधिक बंधुता होती है, यानी वो बहुत आसानी से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हो सकते हैं। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ जब क्लोरीन रिएक्ट होता है तो HCl बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो H2 plus Cl2 is equal to 2HCl सनलाइट के प्रेजेंस में। H2S के साथ भी रिएक्ट होते हैं तो H2S plus Cl2 is equal to 2HCl plus S।
जब तारपीन के तेल के साथ क्लोरीन रिएक्ट होता है तो यहाँ तारपीन के तेल में से कार्बन को अलग कर देते हैं और HCl बनता है। तो C10H16 plus 8Cl2 is equal to 10C plus 16HCl। तो ये विभिन्न प्रकार से क्लोरीन अलग अलग कार्बनिक यौगिकों से या अलग अलग यौगिकों से रिएक्ट हो सकते हैं। अब हम क्लोरीन के ऑक्सीकारक गुण के बारे में जानेंगे। तो क्लोरीन नवजात ऑक्सीजन देता है, इसी वजह से यह एक बहुत अच्छा ऑक्सीकारक होता है। फेरस लवणों को फेरिक लवण में परिवर्तित कर सकते हैं। जब ये फेरस सल्फेट से रिएक्ट होते हैं तो फेरिक सल्फेट बनता है। 2FeSO4 plus H2SO4 plus Cl2 is equal to Fe2SO4 whole thrice plus 2HCl। इसी प्रकार जब ये सल्फाइट से क्रिया करते हैं तो सल्फाइट को सल्फेट में परिवर्तित करते हैं। तो Na2SO3 plus H2O plus Cl2 is equal to Na2SO4 sodium sulfate plus 2HCl। तो जब ये सल्फाइट लवणों से क्रिया करते हैं तो सल्फेट में परिवर्तित करते हैं इसे, तो ये भी एक ऑक्सीकारक गुण होता है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को ये H2SO4 में ऑक्सीकृत कर देते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड जब क्लोरीन से रिएक्ट होते हैं नमी की उपस्थिति में, SO2 plus 2H2O plus Cl2 is equal to H2SO4 plus 2HCl। आयोडीन को ये आयोडिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। तो I2 plus 6H2O plus 5Cl2 is equal to 2HiO3, आयोडेट लवण होता है, plus 10HCl। तो इस प्रकार आयोडीन को ये आयोडिक अम्ल में ऑक्सीकृत करते हैं।